हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट टू देखेंगे। सो इन पार्ट वन वी कवर्ड लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। इस पार्ट में हम लोग आपकी एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखेंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्टिविटी रेशियोज की। तो फ्रेंड्स, ये रेशियोज क्या होती है? ये रेशियोज आपको बताती हैं कि आपके जो ऑपरेशंस की एफिशिएंसी है, जैसे आप अपने रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं या अपने फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंसी कैसे दिखा रहे हैं बिजनेस में, और प्लस हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेस। सो इट इज दिस रेफर्स टू द रेशियोज दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके कैसे आप यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनके बारे में हमें बताता है। और इन एक्टिविटी रेशियोज को हम लोग एफिशिएंसी रेशियोज भी कहते हैं। इसमें आपकी 6 रेशियोज मेनली आती हैं। पहली है इन्वेंट्री टर्नओवर, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, फिर आपका नेट असेट्स टर्नओवर, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो पहले मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? कि कितनी बार आपका जो इन्वेंट्री है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितनी बार अपने फिनिश गुड्स को बेचा है, ये हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताती है। क्योंकि आपकी इन्वेंट्री, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेडर होते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कंप्राइजेज ऑफ योर फिनिश गुड्स, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं देन आपकी रॉ मटेरियल कितनी बार कन्वर्ट हुआ है फिनिश गुड्स में, और आपने उनको फिर कितनी बार बेचा है इन द मार्केट, तो हम उसको भी एनालाइज करते हैं। फिर यही बोला हुआ है, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एवरेज इन्वेंट्री। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको, यानी सीधा सीधा आपको सेल्स रेवेन्यू दे रखी है 2 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट बोल रखा है 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर आपको इन्वेंट्री इन द बिगनिंग और इन्वेंट्री एट द एंड दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आपका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय योर एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू योर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, आपकी सेल्स में आप जीपी रेशियो को हटा दीजिए, यानी आपकी 80% तो कॉस्ट होगी और 20% जीपी रेशियो हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपकी कॉस्ट प्लस जीपी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स, ये हमने पहले भी बात करी हुई है। तो आपकी 80% ही सीओजीएस हुआ, तो 2 लाख इंटू 80%, ये आपकी आई 1,60,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, तो आप करेंगे क्या, 38,500 प्लस 41,500 डिवाइड बाय 2, तो 38,500 और 41,500 को आपने डिवाइड करना है, तो ये आपका सिंपली 40,000 आ जाता है। अब आप अपनी रेशियो निकाल लोगे, तो आपकी इन्वेंट्री, मैं इसका कलर चेंज कर लेता, तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 1,60,000 या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय योर एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 40,000, तो आपकी कितनी आ गई, 4 टाइम्स आ गई। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बना रखे हैं। बढ़ते हैं आगे, अब आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो या आपने इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी पढ़ा होगा, ये बता रखा है, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो आप क्रेडिट पर सामान बेचते हैं और आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में, यानी आपके डेटर्स हो गए और आपके बिल रिसीवेबल्स हो गए, इनके बारे में रिलेशन। तो एक तो आपकी आती है, इसमें निकालते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिर आपकी वेलोसिटी निकालते हैं कि एवरेज कितने दिनों में आपको पेमेंट आ जाती है, उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड दैट इज 365 डेज डिवाइडेड बाय योर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। और एक चीज मैंने नोट डाउन करने को आपको दे रखी है, कल को क्वेश्चन में आपको डेटा के साथ आपको बता दे कि आपको प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी दे रखा है, तो प्लीज उसको काउंट मत करिएगा। देखो लाइन क्या बोलती है, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट डेटर्स शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो ये आपको पता होगा, आप अगर आपने बैलेंस शीट देखी है तो आपके डेटर्स होते हैं ग्रॉस अमाउंट, इसमें से आप माइनस कर दो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, फिर आपका आ जाता है डेटर्स नेट अमाउंट
तो ये आपकी रिपोर्ट होती है इन द बैलेंस शीट। लेकिन बोल रहा है कि जब आप रेशियो निकालो तो आप सिर्फ ये ग्रॉस डेटर्स को काउंट करना, डू नॉट टेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट। तो ये आपके लिए जो लाइन है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट नीड्स टू बी नोटेड दैट डेटर्स शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपसे बोला है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। तो आपका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, तो अगर तो सिर्फ देखिए, अगर तो सिर्फ आपके डेटर्स हैं बैलेंस शीट में, तो आप इसको बोल सकते हैं सिंपली डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और अगर आपके पास डेटर्स और बिल रिसीवेबल नहीं है, तो आपको एक पूरा बोलना पड़ेगा कि दीज आर योर ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको जो पैसे आने हैं। ठीक है, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी होती है, आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी करी गई डिवाइडेड बाय योर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपकी क्रेडिट सेल्स क्या दे रखी है, देखो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख, इसमें से बोल रखा है जो आपका कैश रेवेन्यू है दैट इज 20% ओनली, यानी आपका जो क्रेडिट सेल्स हो रही होगी या क्रेडिट रेवेन्यू हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 4 लाख का 80%, दैट इज 3,20,000। और आप क्या निकालोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 ओपनिंग प्लस 1,20,000 क्लोजिंग, तो आपका कितना आ गया 1,60,000 डिवाइड बाई टू दैट इज 80,000। और इससे आप निकाल दोगे अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, सिंपल। तो कैसे निकालोगे, 3,20,000 डिवाइड बाई 80,000 और ये आ जाएगी आपकी 4 टाइम्स। और मैं आपसे पूछता हूँ कि वॉट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो क्या करोगे 365 डेज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कर लोगे और ये आपका कितना आ जाएगा, 91.25 डेज। तो इट टेक्स अराउंड 91 डेज टू कलेक्ट मनी बैक फ्रॉम योर डेटर्स, यानी अगर आप कोई क्रेडिट सेल करते हैं तो 90 दिन के बाद आपको पैसा रिसीव होता है, ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स्ट्रा, वी हैव डन एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला। फिर आपके पास आ जाती है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर। तो आपको इसमें वही बताता है कि जो टर्नओवर है इट इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। तो आप जो है अपने क्रेडिटर से अगर क्रेडिट परचेज लेके आते हैं तो आप उसको कितने दिन बाद, एक तो कितना उसका नंबर ऑफ टाइम्स आपने परचेज करी है, और दूसरा जो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड है उसे हम पता लगाते हैं, हम कितनी एक बार में अगर मैं क्रेडिट परचेज करके लेके आता हूँ तो कितने दिन बाद मेरे को अपनी पेमेंट करनी होती है या मैं करता हूँ टू योर क्रेडिटर्स, जिनसे हम परचेजेस लेके आ रहे हैं, जिनसे हम अपना सामान लेके आ रहे हैं। तो क्या बोला हुआ है, द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें फ्रेंड्स या तो सॉरी इसमें ना ये आना चाहिए था आपका द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और द ट्रेड पे ये एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। एज ट्रेड पेबल्स अराइज ऑफ अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड ट्रेड पेबल्स। तो हमारा जो पिछले हमने जब देखा था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तब तो हमने मान ली थी नेट क्रेडिट सेल्स, वहाँ यहाँ पे जो ट्रेड पेबल्स हैं तो आप पेमेंट किससे करते हो, अपने क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स से क्या लेके आते हो, आप अपना रॉ मटेरियल, तो आप परचेज करते हो ऑन क्रेडिट। तो हम जो है नेट क्रेडिट परचेजेस को लेते हैं और एवरेज ट्रेड पेबल्स को उससे डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। फिर आपका एक निकाला जाता है एवरेज पेमेंट पीरियड, तो दैट इज 365 डेज डिवाइडेड बाई योर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। आइए इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको बोला है कि आपकी क्रेडिट परचेजेस इतनी है, आपके फिर क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स की आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो सिंपल है, क्या करना है आपको, बस आपकी क्रेडिट परचेज तो आपको दे ही रखी है 12 लाख रुपए की, और आप इनको इनको डिवाइड किससे कर देना है, आपके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स दैट इज 3 लाख प्लस 1 लाख, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंसेस है 1,30,000 प्लस 70,000, इसकी आपको एवरेज निकाल लेना है। तो ये कितना हो गया, 4 लाख और 2 लाख 6 लाख डिवाइड बाई टू, और ये 3 लाख आपका एवरेज जो है ट्रेड पेबल्स निकल के आ गई। तो आपकी जो रेशियो आ गई दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रेंड्स, ये आपकी सिंपल निकल के आ गई 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंपल निकल के आ जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से हमने कितनी बार तो कर लिए ये रेशियोज निकालने की, क्या कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, फिर आपका ये ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या आपकी ट्रेड पेबल्स की बात करूं तो उनकी टर्नओवर रेशियो,
तो आपकी जो निकल के आती है ये सब हम पहले भी निकाल चुके हैं। फिर आपकी तीन रेशियोज एक्स्ट्रा हैं जो हैं आपकी नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला ही बताऊँ, मतलब ये ज़्यादा देखिए जो नॉर्मल पूछी जा सकती है वो एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, और इसके ऊपर भी मैंने जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर आपको पता हो तो मैंने जब फाइनेंस का जब एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे तो हमने क्वेश्चंस करे थे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आप किसको पहली बात देखो आपका जो है फिक्स्ड असेट टर्नओवर है, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ना चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड हो, फिक्स्ड असेट्स हो या वर्किंग कैपिटल हो, देखो ये डिनोमिनेटर में, सो दीज आर टर्नड ओवर। तो जो टर्नड ओवर है हम उसको नीचे लिख देंगे, और ऊपर आप देखो तीनों में जो आ रहे हैं आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रही है यानी सेल्स आ रही है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे कि जो जो आपसे बोला है कि आपसे बोल दिया कि फाइंड आउट द फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो क्या टर्नओवर हो रहा है क्या डिनोमिनेटर में रखूंगा, आपके फिक्स्ड असेट्स रख दूंगा ऊपर सेल्स से डिवाइड कर दूंगा। सो योर न्यूमरेटर बिकम्स योर सेल्स एंड डिवाइड बाय योर फिक्स्ड असेट्स डिवाइड बाय योर वर्किंग कैपिटल एंड डिवाइड बाय योर कैपिटल एम्प्लॉयड। सो अगेन योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज बोथ योर डेट प्लस योर इक्विटी पार्ट। फिर आपके फिक्स्ड असेट्स नेट बोले हैं तो आपके फिक्स्ड असेट्स लेस योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन इट बिकम्स योर नेट फिक्स्ड असेट्स। फिर आपकी वर्किंग कैपिटल की बात होती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आपकी होती है वर्किंग कैपिटल। ये चीजें मैंने काफी बार आपके साथ डिस्कस करी हुई, ठीक है। अब बढ़ते हैं, एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये आपको मैंने बता रखा है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आप क्या करोगे, आपकी नेट सेल्स डिवाइड बाय योर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आ जाएंगे, आपके डेटर्स आ जाएंगे और आपके बिल रिसीवेबल्स आ जाएंगे। फिर आपका ट्रेड ये पेबल होना चाहिए, पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्या करोगे, आपकी क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो आपके बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आ जाएंगे। फिर आपका जो पेमेंट या कलेक्शन पीरियड है तो आपका सिंपली 365 डेज डिवाइड बाय इधर योर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, अगर मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करता हूँ, और अगर मैं एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करता हूँ तो आपकी क्या हो जाएगी, 365 डेज डिवाइड बाय योर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। सिंपल है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अगर स्पीड ज़्यादा रख ली हो तो प्लीज़ काइंडली कमेंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कम कर दूंगा स्पीड, ठीक है। तो ये क्योंकि रेशियो हमने करी हुई है, बिल्कुल आसान आसान सी रेशियो है, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग थ्रू। अब आपकी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगर आप देखो तो मैंने आपको कितनी बार तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन करा दिया। तो जीपी रेशियो क्या होती है आपकी, तो आपको मैंने बता रखा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। फिर आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, तो नेट प्रॉफिट आपकी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी, मैंने आपको बोला है जनरली आपका ईबीआईटी इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय योर सेल्स इनटू 100। तो यही बोल रहा है द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड द रेशियोज कैलकुलेटेड टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आपने कितना कमाया है, एक तो आपके ऑपरेशन से, दूसरा आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड करिए, असेट्स लगाए हैं कैपिटल में, डेट या इक्विटी दोनों जो आपने इन्वेस्ट करिए बिजनेस में, उन असेट्स को लगा के आपने कितना कमाया है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकलते हैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि जिन तीन रेशियोज को हमने काफी बार निकाल दिया जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है, तो जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा आज, हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक तो हम निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक निकालेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, और एक हम निकालते हैं ईपीएस, और आपकी निकाल देंगे बीबीपीएस, आपकी बुक वैल्यू पर शेयर, और आपका पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन से इन रेशियोज को कवर अप अभी करवा देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज प्लीज ध्यान रखना, कहीं आपको कभी कोई बोल दे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, सो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग रेशियो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो जो आपकी जो कॉस्ट आ रही है ऑपरेशंस में हम उसकी बात करते हैं, और इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो भी आपने रेशियो निकाली योर ऑपरेटिंग रेशियो वट एवर इट कम्स आउट, अगर इसको मैं 100% से माइनस कर देता हूँ तब मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल के आती है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट। तो ऑपरेटिंग रेशियो में पढ़ता हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो इट इज कंप्यूटेड टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है इससे क्या निकल के आता है, मेरा मार्जिन या मेरा प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो,
सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो बोले तो हमें कॉस्ट लेनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेनी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोले या तो आप निकाल दीजिए ऑपरेटिंग रेशियो और उसमें से 100% में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दीजिए, या आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी डिवाइड बाई योर रेवेन्यू योर सेल्स एंड आप अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल दीजिए। तो ये मैंने आपको पहले भी समझा रखी है, बस ये चीज़ मेरे को थी कि मैंने आपको ये पॉइंट आउट नहीं करी हुई थी कि इफ समबडी आस्क व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो देन यू कैलकुलेट द कॉस्ट, बट इफ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देन यू आइदर डिडक्ट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम योर 100% और यू कैलकुलेट योर ईबीआईटी डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा था इसमें हम एक एक करके, पहले हम निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर हम निकालेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ईपीएस, BVPS, your book value per share and your PE ratio, ठीक है? तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसे निकालती है, इट इज योर EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिवाइडेड बाय योर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि इन्वेस्ट तो दोनों नहीं कर रखा है, चाहे मैं डेट की बात करूँ उन लोगों ने अपना लोन देके आपके कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, या मैं इक्विटी की बात करूं जो आपकी ओनर्स कैपिटल होती है जिन्होंने शेयर्स के फॉर्म में आपके कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो पहले आरओआई के लिए हमें चाहिए ईबीआईटी। तो पहले फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज ईबीआईटी। तो देखो क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 34 रुपीज, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको पैट दे रखा है, फिर आपको बोल रखा है कि आपका टैक्स जो है 50,000 का है। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। सो योर देयर इज अ ईबीआईटी, इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो मेरा आ जाता है पीबीटी या ईबीटी, इसमें से मैं अपना टैक्स हटाता हूँ तो मेरा आ जाता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और योर नेट इनकम। ये चीज मैं आपको पहले भी बता रखा। अब मैं जो पैट है उसको दे रखी है, मेरे को ये दे रखा है और मेरे को ईबीआईटी की तरफ जाना, तो मैं क्या ऐड करूंगा, अपने टैक्सेस ऐड कर दूंगा और अपने इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दूंगा, तो मेरा ईबीआईटी की फिगर आ जाएगी। तो पैट मेरे को जो दे रखा है फ्रेंड्स वो दे रखा है आपका 1.5 लाख रुपए का, फिर आपको बता रखा है द टैक्स अमाउंटेड टू 50,000 और इंटरेस्ट कहाँ से लेके आओगे, आपको बोल रखा है 10% डिवेंचर्स, तो वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख का 10% अगर करते हो तो वो आ जाता है 40,000 का, तो आपका टोटल ईबीआईटी आ गया 2,40,000 का। फिर आपका व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स, तो इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। सो योर इन्वेस्टमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों तरह के पैसे हैं, यानी आपकी इक्विटी और डेट दोनों तरह की, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस उसके रिजर्व, तो ये हो गए शेयर होल्डर्स फंड प्लस आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस योर डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये सारे मिलके होते हैं आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि रिजर्व्स भी तो एक ना एक दिन जब कंपनी वाइंड अप होनी है ये तो अपने ओनर्स के पास ही चले जाना है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है योर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो इन लोगों ने अपना डिविडेंड नहीं लेके जितने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं उनको फोरगो करके क्या बोला कंपनी, तुम एक काम करो हमें डिविडेंड मत दो, तुम इसको अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर लो। तो रिजर्व्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दीज आर योर प्रॉफिट्स विच हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बट हैव बीन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो इसलिए मैं इसको भी काउंट करता हूँ। तो आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीज ये है फ्रेंड्स, फिर आपकी जनरल रिजर्व आपको 1,84,000 का दे रखा है, 1 लाख रुपए के आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, फिर आपको 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रखे हैं, तो 4+4 आपका 8 प्लस 2 आपका 10 लाख हो गया और ये आ गया 10,84,000। अब इसको सिंपल डिवाइड करना है तो आपकी आरओआई निकल के आ जाएगी, तो आरओआई क्या होगी आपका ईबीआईटी दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय योर 10,84,000, इनको आप डिवाइड कर लेते हो तो आंसर हमारा हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में आता है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो देखते हो आप तो परसेंटेज फॉर्म में आती है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 22.14%। ठीक है, तो एक चीज हमने क्या निकाली, सबसे पहली रेशियो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाली, अब हमें दूसरी रेशियो निकालनी है दैट इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तो वो क्या होती है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी अगेन आपको जो अच्छा इसमें आप ध्यान रखिएगा ये होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप बोलोगे क्यों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि फ्रेंड्स शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को तो आपका जो है पैट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही उनको अपने पैसे मिलते हैं, इसलिए जो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड निकाली जाती है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकाली जाती है रादर दैन योर ईबीआईटी। यानी अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात रखो तो आपके नीचे दोनों कंपोनेंट रहते हैं, डेट को क्या मिलता है इंटरेस्ट और इक्विटी को क्या मिलता है व्हेन यू पे ऑफ योर टैक्सेस देन दिस योर नेट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेबल टू योर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
ठीक है, या इक्विटी, या मैं आपको प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, चाहे प्रेफरेंस ले लो चाहे इक्विटी ले लो, तो आफ्टर पेमेंट ऑफ द टैक्सेस वॉट एवर इज लेफ्ट इन द कंपनी दोज आर पेड टू योर शेयर होल्डर्स, वेदर बी इट इक्विटी। सो फर्स्ट प्री यू पे योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद अपने आप इक्विटी को पैसे दे दो। और अब जब मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात करता हूँ, वेन यू टॉक अबाउट योर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स को फंड को क्या मिल रहा है, यानी जो शेयर होल्डर्स है उनको तो आपका नेट इनकम से हिस्सा मिलता है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसलिए जो न्यूमरेटर होता है आपका इस केस में आता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और डिवाइड कर दोगे आप अपने शेयर होल्डर्स फंड से। तो पैट आपको सीधा सीधा दे रखा है, पैट आपको सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए दे रखा है, और आपके शेयर होल्डर्स फंड क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस आपके जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 4 लाख प्लस 1,84,000 के रिजर्व प्लस 1 लाख रुपीज की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये टोटल जब मैं करता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए 6,84,000 की, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको निकालते हो तो ये आ जाता है 21.93%। तो हमने पहले निकाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमने निकाल लिया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे यू टेक कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ डेट एंड इक्विटी, दैट इज वाई वी आर टेकिंग योर ईवीआईटी एज अ न्यूमरेटर। बट इफ यू टॉक अबाउट योर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, द शेयर होल्डर्स व्हाट वी गिव टू द शेयर होल्डर्स इज द प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देन वी डिस्ट्रीब्यूट आवर डिविडेंड फ्रॉम योर नेट इनकम और योर फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज वाई द न्यूमरेटर इज कंसिस्टिंग ऑफ योर पैट, योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड वी डिवाइड द शेयर होल्डर्स फंड। तो वो आपके किससे कंप्राइज हो रहे हैं, योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो जनरल रिजर्व हैं, तो ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली दो चीजें, एक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। दूसरे आ जाती है आपकी, अब हमें निकालनी है ईपीएस, दैट इज योर अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या होती है फ्रेंड्स, दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो पहले आपका आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज योर नेट इनकम, तो नेट इनकम हमको कितनी दे रखी है, 1,50,000, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, योर प्रेफरेंस डिविडेंड, और वो कितनी है आपकी, 1 लाख रुपए पे आपको 12% का डिविडेंड बांटना ही बांटना है, तो आपने कितने माइनस कर दोगे इसमें से, 12,000 माइनस कर दोगे, तो जो प्रॉफिट बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए वो बचा 1,38,000 रुपए। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, 1,38,000 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स कैसे काउंट करोगे, 4 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 40,000 शेयर्स हैं आपकी कंपनी में। ठीक है, तो ये मैंने कैसे करा, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज योर 4 लाख डिवाइड बाय 10 रुपीज, उसकी जो फेस वैल्यू है आपने निकाल लिया, 1,38,000 डिवाइड बाय 40,000, तो ये आपकी 3.45 अर्निंग पर शेयर निकल के आ गई, कि एक शेयर पे हम कितना कमा रहे हैं, एक इक्विटी शेयर। ठीक है, तो वी टेक व्हेन वी टॉक अबाउट ईपीएस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर्स, हाउ मच दे आर अर्निंग पर शेयर। ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट वी आर अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस हमने निकाल ली। अब आपका जो बचा है, दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है, और मुझे पीई रेशियो निकालनी है, तो पहले निकालते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो जब मैं फ्रेंड्स बुक वैल्यू पर शेयर की बात करता हूँ, सो बुक वैल्यू पर शेयर में आपका जो है जो निकल के आ जाता है, दैट इज आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गए, एक तो 4 लाख की कैपिटल होगी, प्लस 1,84,000 का आपका जो है वन लाख एटी फोर थाउजेंड के आपके रिजर्व हो गए, तो 4 लाख प्लस 1,84,000 के आपके हो गए इक्विटी फंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अभी हमने निकालते होते 40,000 के, तो आपका ये हो गया 5,84,000 डिवाइड बाय 40,000, और सिंपल आपका बुक वैल्यू पर शेयर कितना निकल के आ गया, तो ये आपका निकल के आ जाता है 14.60। तो ये हमने निकाल लिया बुक वैल्यू पर शेयर। अब लास्टली जो हमारा बचा है, एक चीज निकालनी बच गई, जो है आपकी पीई रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो आपकी क्या होती, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय योर
EPS, your earning per share. So market क्या MPS divided by your EPS. So उधर मैं bifurcation कर देता हूँ, color change कर देता हूँ. तो योर एम पी एस डिवाइड बाई योर ई पी एस, तो एम पी एस आपको दे रखी है 34 की और ई पी एस आप अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल के आया, दैट इज 3.45. तो सिंपल आप इसको 3.45 से डिवाइड करोगे तो आपका 9.86 टाइम्स निकल के आ जाती है, यानी जो मार्केट में शेयर है आपका अर्निंग पर शेयर से अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना. सो ये है पी ई रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, योर शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये हमने सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो मुझे लग रहा था कि आ सकती है, तो मैंने एक क्वेश्चन से आपको सारा बताने की कोशिश करी, ठीक है. तो ये हमारी रेशियोज का पार्ट था, अकाउंटिंग रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अब आइए इन पे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं. तो आपको देखो ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं. अब पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियोज आर प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिस्क. तो मेजर्स ऑफ रिस्क कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो मेरे को बताओ रिस्क कैसे देख रहे थे, लिक्विडिटी से हम अपनी शॉर्ट टर्म देख रहे थे कि हम शॉर्ट टर्म में पैसा पे नहीं कर पाते या कर पाते हैं. फिर हमने देखी थी सॉल्वेंसी रेशियो, वहाँ देखा था कि लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी इतना कमा पाएगी कि वो अपने लोन्स को पे ऑफ कर दे, अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे ऑफ कर दे. फिर हमने एक्टिविटी रेशियो देखी जो बता रही थी कि कितने अच्छे से एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस चला रही है कंपनी, कैसे अपने ऑपरेशंस को अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही, तो उसमें रिस्क की तो बात आई नहीं थी. तो और फिर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आपका प्रॉफिट कैसे जा रहा है, तो आप उसमें तरह तरह की रेशियो निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ईपीएस, आपका बुक वैल्यू पर शेयर, फिर आपका पीई रेशियो, वो सारी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है कि कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस में जा रही है. तो जो आपकी मेनली एक्टिविटी रेशियो का अगर मैं छोड़ दूँ, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट योर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, द रेस्ट ऑफ द थ्री रेशियोज, योर लिक्विडिटी, योर क्या कहते हैं सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड टॉक अबाउट द मेजर्स ऑफ रिस्क. तो जो आपका आंसर है, अगर हर ऑप्शन में एक्टिविटी है तो वो तो हम काट देंगे. लास्टली आपका जो ऑड वन आउट आंसर जो बचा है, दैट इज योर लिक्विडिटी, डेट रेशियो और योर सॉल्वेंसी रेशियोज एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज टेल अबाउट द रिस्क ऑफ द कंपनी. फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, द डैश रेशियोज आर प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिटर्न. तो मेजर्स ऑफ रिटर्न क्या है, अभी हम करके आए, तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं वो आपकी मेजर्स ऑफ रिटर्न होती हैं. और ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे देखो तो पढ़ाई भी थी, क्या जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इट एनालाइजेज द प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू योर रेवेन्यूज. तो हम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं, दीज आर प्राइमरी मेजर्स ऑफ रिटर्न, ठीक है. तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो आपके रेवेन्यू ऑपरेशंस, एक तो सेल्स से देखते हैं, और एक कितना कैपिटल इंप्लॉयड हुआ है और उससे कितना प्रॉफिट कमाया गया है, दोनों से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालते हैं. थर्ड है, द डैश ऑफ द बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू. तो हमने कहाँ करी थी, लिक्विडिटी रेशियो में करी थी, कि जो आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर पाते हो या नहीं पे कर पाते. तो एबिलिटी टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इज मेजर्ड बाय योर लिक्विडिटी रेशियोज. और इसमें हमने दो रेशियोज करी थी फ्रेंड्स, आपको याद हो तो करंट रेशियो करवाई थी और मैंने आपसे क्विक रेशियो की बात करी थी इसमें. फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द डैश रेशियोज आर मेजर ऑफ द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश. तो हमने कहा करी थी स्पीड के आपके अकाउंट्स कन्वर्ट होते हैं, या आपके जो पहली बात जब हमने इन्वेंटरी रेशियो करी थी, कि आपके कैसे फिनिश गुड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू रेवेन्यू. तो आपकी क्या होती है, ये एक्टिविटी रेशियोज आपकी होती हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि कैसे आपके फिनिश गुड्स जो हैं कितनी बार वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. उसके लिए हम अपने डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स निकालते हैं. तो मैंने आपके साथ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाला था, फिर ट्रेड पेपर्स निकाला था, ट्रेड रिसीवर्स निकाला था, फिर हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाली थी, एवरेज पेमेंट पीरियड निकाली थी, उससे निकलती है हमारी कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आपकी जो एक्टिविटी होती है वो बताती हैं आपकी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, और कितनी बार आपका जो स्पीड है ऑफ द वेरियस अकाउंट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यूज, हमें एक्टिविटी रेशियो से पता लगती है. फिफ्थ आ जाता है, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज आर. तो हमने इस अगर आप ऑप्शन देखते हो तो सबसे ज्यादा अभी मैं बात करता हूँ योर करंट रेशियो और योर लिक्विड रेशियो, एंड द लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड योर क्विक असेट्स रेशियो. ये हमने बात करी. सिक्स आपके लिए क्वेश्चन है, द डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स डैश जनरली द लीस्ट लिक्विड असेट्स. तो लिक्विडिटी का मेजर है, ठीक है. तो करंट रेशियो आपका लिक्विडिटी का मेजर है, लेकिन क्या उसमें से हम ट्रेड रिसीवेबल्स हटाते हैं, तो बिल्कुल नहीं. फिर आपका आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, क्विक असेट्स आपका मेजर होता है लिक्विडिटी का, तो क्या उसमें से हम ट्रेड रिसीवेबल्स निकालते हैं, बिल्कुल भी नहीं. सी पॉइंट आ जाता है करंट रेशियो, अगेन इट इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, क्या हम उसमें से इन्वेंट्री हटाते हैं, तो करंट रेशियो में से तो इन्वेंट्री हटाते नहीं, लेकिन हम
क्विक असेट्स रेशियो में से आपकी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। बढ़ते हैं सेकंड सेट ऑफ एमसीक्यूज की तरफ। बोलता है द डैश इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। तो आपको क्या बताती है क्रेडिट या कलेक्शन पॉलिसीज? तो आपको अभी मैं करवाते हैं क्या है, ये जो सारी आपकी कलेक्शन होती है वो हम किससे देखते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड से। और उससे पहले जो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला अगर आप याद करो तो होती है 365 डिवाइडेड बाई योर योर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। और उसमें जो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है उसमें हम क्या लेते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स आपका न्यूमरेटर लेते हैं डिवाइड बाई योर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं अपने क्रेडिट सेल्स को वो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड बताता है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। क्या हम ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे अपने डेटर्स को पैसे, उनको मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे, हाँ आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आके पेमेंट कर देना। तो हम ज़्यादा उनको फ्रीली तो नहीं रखते, क्या हमारी पॉलिसीज लूज हैं, क्या इनको टाइट करना चाहिए? तो ये सब इवैल्यूएट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, द डैश मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म्स इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी की कैसे कैसे कन्वर्ट होती है सेल्स में, हमने कहाँ पढ़ा है फ्रेंड, आपकी सिंपली इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में। ठीक है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हमने देखा था कैसे फर्म की जो इन्वेंटरी है आपकी जो फिनिश्ड गुड्स हैं कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट करें। थर्ड क्वेश्चन है, द डैश में इंडिकेट द फर्म इज एक्सपीरियंस स्टॉक आउट और लॉस सेल। तो ये कैसे पता लगेगा कि हमारे स्टॉक आउट हो रहे हैं या लॉस सेल हो रही है? तो आपको देखो बी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये तो हमने अभी बात करी है कितनी आपकी बार जो फिक्स्ड आपका जो सॉरी फिक्स्ड फिनिश गुड्स है सॉरी वो कन्वर्ट हो रहे हैं सेल्स में। सी है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी, ये तो आपका बता रहा है कैसे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ पैसा। फिर आपका डी आ जाता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो तो ये बात करता नहीं, क्विक रेशियो तो लिक्विडिटी रेशियो होती है जिसमें हम बात करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या हम अपने करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या शॉर्ट टर्म में आने वाली जो अगली 12 महीने में लाइबिलिटीज है उनको मैं पे कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। अब बस की आपकी एवरेज पेमेंट पीरियड, आप बोलोगे ये कैसे हमें लॉस सेल या स्टॉक आउट बता दी। तो फ्रेंड्स आपके पास इन्वेंट्री कैसे आती है, आप सामान परचेज करते हो, अगर मैं एक ट्रेडर की बात करूँ और आपकी जो परचेजेस हैं उसके लिए सिर्फ दो ही रेशियोज हैं, एक आपकी है जो मैंने एक्टिविटी में बात करी थी, एक आपकी करी थी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो जिसमें मैंने आपसे बात करी थी, आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय योर एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, और इसके बाद हमने बात करी थी इसमें जो वेलोसिटी निकाली जाती है वो निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ एवरेज पेमेंट पीरियड, और उसको हम कैसे निकालते हैं, 365 डेज डिवाइडेड बाय योर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपने टाइमली अपने फिनिश गुड्स को परचेज नहीं करा, यानी आप माल किसी फैक्ट्री से खरीद के लाते हो और उसको आगे मार्केट में बेचते हो, तो क्या उससे स्टॉकआउट होती है, क्या उससे सेल्स लॉस्ट होती है? तो बिल्कुल होती है। अगर आप देखो मतलब एलिमिनेशन ऑप्शन से, तो आपका सिर्फ यही रेलेवेंट है जो ऑप्शन बनता है कि आपका एवरेज पेमेंट पीरियड है वो बताएगा कि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको, या कितने दिन में पेमेंट कर रहे हो। और फिर आपकी जो पॉलिसीज हैं वो डिफाइन करती है कि क्या आपका जो क्रेडिटर है आपको सामान देता है या नहीं देता, अगर आप उसके पेमेंट टाइम से नहीं करोगे तो आपको सामान देने में दिक्कत करेगा, तो इसलिए आपको स्टॉकआउट कॉस्ट या लॉस सेल्स हो सकती है। बढ़ते आगे, फोर्थ क्वेश्चन है, एबीसी कंपनी एक्सटेंड्स क्रेडिट ऑफ 45 डेज टू इट्स कस्टमर, इट्स क्रेडिट कलेक्शन वुड बी कंसिडर्ड पुअर इफ इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड वॉज। अब आपसे पूछा है कि आप एक कस्टमर को 45 डेज देते हो टू मेक द पेमेंट। ठीक है, और फिर आपसे पूछा है कब आपको बोला जाएगा कि ये पुअर है, यानी आपने 45 डेज का तो उसको टाइम दिया, लेकिन अगर आपका कस्टमर आपको 30 दिन में पेमेंट कर जाता है, 36 दिन में आके पेमेंट करता है, या 37 दिन में आके आपकी एवरेज पेमेंट कर जा रहा है वो तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो 45 डेज से ऊपर ले रहा है तो दैट इज पुअर ना। आपने तो अपने बिल में लिख दिया कि यू कैन मेक पेमेंट विद इन 45 डेज, तो कोई अगर आपको 30 दिन में पैसे दे जा रहा है बढ़िया है, 36 दिन में पैसे दे जा रहा है बढ़िया है, 37 दिन में पैसे दे जा रहा है बढ़िया, लेकिन खराब कब है कि वो 45 डेज से ज़्यादा पीरियड ले रहा है, तो इट इज पुअर व्हेन ही इज टेकिंग मोर टाइम देन extended than period which is extended to, यानी आपने उसको 45 दिन बिल में लिख के दे दिया कि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हो, लेकिन वो 45 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो आपकी जो क्रेडिट कलेक्शन है वो
पुअर है, वो खराब है, कि आप उसको विद इन टाइम कलेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर कहा जाते क्वेश्चन, डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड देम विद अ सेंस ऑफ बिल पेइंग पैटर्न्स ऑफ द फर्म। तो कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे आपसे एवरेज पेमेंट पीरियड जानने के लिए, तो आप बताओ आपसे कौन इंटरेस्ट होगा? आपके जो सप्लायर्स हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो जानने के लिए आपसे बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे कि आप कितने दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो। ठीक है, तो आपके जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं या फिनिश गुड सप्लायर्स है, वही तो जानना चाहेंगे कि आप कितने दिन में पेमेंट कर देते हो, आपका एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है। बिल में अगर लिखा हुआ है कि हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए और आप उसको 35 दिन में कर रहे हो, तो वो तो खराब हो गया। अब आप जैसे फोर्थ पॉइंट पे था, अगर आप उसको एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपको आप बताओ आपको 45 दिन में पेमेंट कर रहे थे बट यू आर टेकिंग 47 डेज, तो वो तो खराब है ना। ठीक है, तो वो कौन देखते हैं? आपके लेंडर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, वो लोग देखेंगे कि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी पार्ट, आपके लेंडर्स एंड सप्लायर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड देम विद द सेंस ऑफ बिल पेइंग पैटर्न्स ऑफ द फर्म, कि वो टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। अगर उनको एक महीने का टाइम दिया है, तो वो क्या एक महीने के अंदर पेमेंट कर दे रहे हैं या नहीं कर दे रहे। तो आपके जो फिनिश गुड सप्लायर्स हैं, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो लोग जानना चाहेंगे। सिक्स्थ आ जाता है, द डैश रेशियोज प्रोवाइड द फर्म्स इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन। तो लॉन्ग रन ऑपरेशन के लिए कौन सी फ्रेंड्स, ये हमने बात करी थी आपसे फर्स्ट वीडियो में, कि जो आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, ये लोग बताती हैं क्या लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने ऑपरेशन से इतना पैसा कमा पाएगी कि वो पे ऑफ कर दे अपने डेट्स को। ठीक है, आराम से पे ऑफ कर दे और वो लॉन्ग रन तक अपना बिजनेस चलाती रहे। तो ये सब हमने सॉल्वेंसी रेशियोज में पढ़ी थी, जो हमने डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियोज मैंने आपके साथ करी थी। फिर हमने फिक्स असेट्स टू शेयर होल्डर्स या जो इक्विटी रेशियोज, वो सब करी थी। तो वो सब रेशियोज हमने पार्ट वन में कवर अप कर रखे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो वीडियो है ऑन द रेशियोज। तो दिस इज पार्ट वन प्लस पार्ट टू इसमें करवा दिया और पार्ट वन इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर स्पीड ज्यादा तेज रही है, इफ इट इज फास्ट देन आई विल री रिकॉर्ड दिस लेक्चर। ठीक है, क्योंकि फास्ट मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये सब हम बातें पहले ही कर चुके हैं, मैं जस्ट एक रिवीजन करवा रहा था आपको। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो, यू कैन मतलब रिवाइंड द वीडियो, बार बार इसको देख सकते हो। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, यू कैन कमेंट, फीडबैक अपना दे सकते हो। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया है ये सब निकालने का, हालांकि मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होंगी, बिल्कुल ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ही मेरे को बताना कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक देना। ज़्यादा तेज तो नहीं था, अगर तेज था तो आई विल री रिकॉर्ड इट, तो काइंडली गिव द फीडबैक। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी अकाउंट्स में आपका ये रेशियोज का चैप्टर भी हमने कवर अप कर लिया है थ्रू दिस रिवीजन। तो थैंक यू सो मच।